हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं हूँ स्मारिका चौधरी। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही वंडरफुल रेसिपी विथ चॉकलेट एंड कैश्यू। ये है चॉकलेट फर्स्ट की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे कैसे बनाना है। ये केवल 3 इन्ग्रीडियंट्स से बनता है। इसके लिए यहाँ पर मैंने कैश्यू लिया है। कैश्यू को मैंने रोस्ट कर दिया था पहले, घी में या बटर में भी आप रोस्ट कर सकते हो। ओके, तो इसको पहले मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में आपको क्रश करना है। ओके, तो चलिए इसको क्रश करके लाते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। अब यहाँ पे कैश्यू को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लिया है। कैश्यू यहाँ पे मैंने 230 ग्राम्स लिया है। ओके, अब यहाँ पे मैंने मिल्कमेट लिया है। मिल्कमेट 150 ग्राम है एंड ये डार्क चॉकलेट है, ये भी 150 ग्राम है। डार्क चॉकलेट या आप कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मोल्डे का डार्क कंपाउंड यूज़ किया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको मिल्कमेड मिक्स करना है। हाफ मिल्कमेड आपको इसमें मिक्स करना है। अच्छे से आपको इसको डो बनाना है। अभी अच्छे से डो जैसा बन गया है। अब हम करेंगे इसे साइड। अब यहाँ एक बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे डार्क चॉकलेट। चॉकलेट डालने के बाद अब जो इसमें हाफ बचा हुआ था मिल्कमेड, अब इसमें ये मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पे ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है, स्क्वायर में लिया है, आप चाहे तो राउंड में भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो चॉकलेट मेल्टेड लिया है मैंने, मैं इसको पोर करूँगी इसमें। अच्छे से पूरा आपको पोर करना है इसमें। पोर करने के बाद इसको आप अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। अब हम इसे टैप करेंगे ताकि अच्छे से ये चॉकलेट सेट हो जाए। अब मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए 20 मिनट्स तक रखूँगी। अब ये देखो गाइस, ये कम्प्लीटली सेट हो गया है आफ्टर 20 मिनट्स। अगर आप 20 मिनट्स के बाद निकाल के देखना आप इसको, अगर आपको ये सेट नहीं लगे अच्छे से तो फिर आप इसको 10 मिनट्स के लिए और रख देना। ओके, अब ये सेट हो गया है। अब जो मैंने यहाँ पर डो बनाया था ये काजू का, अब मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करने वाली हूँ इसको। ओके, रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे इनबॉक्स करके बताइए कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जिन लोगों ने गाइस मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। पहले आप इसको अच्छे से चारों साइड से स्प्रेड करें। आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे का चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। अगर ये सेट नहीं होगा तो इस पे ये अच्छे से स्टिक नहीं होगा।
अब हमें यहाँ पे करना क्या है, इसको अच्छे से प्रेस करना है। ओके, चारों साइड से इसको प्रेस करना है। देखिए अच्छे से हमने इसको चारों साइड से सेट कर दिया है। अब इसको आपको फिर 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखना है। ओके, ये देखिए आफ्टर 30 मिनट्स बाद मैं इसको फ्रिज से निकाल के ले आई हूँ। अब इसे स्क्वायर शेप में कट करें और इन्जॉय करें। बाय।